सुप्रभातम्। विषय संस्कृतम्। कक्षा 6। पहले पाठ का यह तीसरा वीडियो है, जिसमें पिछली वीडियो में आपने पहले चैप्टर पे अपना ध्यान केंद्रित किया था, जिसमें वीर बालकों को बढ़ने का निर्देश दिया गया था। आइए आज हम उसके अभ्यास पे नज़र डालें, जिसमें आपने पढ़ा था पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम स्वजन्म भूमि रक्षणे प्रयच्छ वीर जीवनम शिरः कुरु समुन्नतम तवास्तु मा क्वचित भयम पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृजीवनम रणे धृतिषु कौशलम प्रवर्धताम मनोबलम सुनिश्चितः जयस्तव कुरु स्वधर्म पालनम पुरह पुरह प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम। इसका हिंदी अर्थ भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज यह बताना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि अगला आने वाला अभ्यास इस पैराग्राफ इन पंक्तियों से ही है, इसीलिए इसे याद करना और दोहराना आवश्यक है। तो आइए इसके अभ्यास की ओर बढ़ें। अभ्यास में प्रथम अभ्यास है, चित्र को देख करके हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, जिसमें से पहला है किम एते वीरा बालाः संति, क्या ये सभी वीर बालक बालिकाएं हैं? तो आंसर है हाँ आम। दूसरा है किम सर्वेषां हस्ते राष्ट्रध्वजः अस्ति, क्या सभी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है? तो चित्र में केवल एक के हाथ में है, अर्थात इसका आंसर होगा नहीं। किम एते वीर बालाः अग्रे अग्रे गच्छन्ति, क्या ये वीर बालक आगे आगे चल रहे हैं? तो इसका आंसर है आम, हाँ ये वीर बालक आगे आगे चल रहे हैं। चौथा है किम अत्र पंच बालाः सन्ति, क्या यहाँ पर पांच बालक बालिकाएं हैं? तो इसका आंसर है आम, हाँ यहाँ पर पांच बालक बालिकाएं हैं। पांचवा है किम एते वीर बालाः प्रसन्नाः सन्ति, क्या ये वीर बालक प्रसन्न हैं? तो हाँ सभी प्रसन्न हैं, तो इसका आंसर होगा आम। छठा है किम एतेषां दृष्टि अग्रे अस्ति, क्या इनकी दृष्टि आगे की ओर है? तो आंसर होगा आम, हाँ इनकी दृष्टि आगे की ओर है। अंतिम है किम एतेषां मनसि भयमस्ति, क्या इनके मन में भय है? तो नहीं, क्योंकि ये वीर बालक तिरंगा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके मन में भय नहीं है। तो इसका आंसर होगा न। इस प्रकार हमारा यह अभ्यास एक समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ें। अभ्यास 2 में दिया हुआ है चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु, अर्थात चित्र को देख करके पाठ से उपयुक्त पद को चुन करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो हमने पीछे पढ़ा है पुरह पुरह प्रगच्छरे, तो यहाँ पर आएगा प्रगच्छ। ऐसे ही अगला सेंटेंस प्रगाय मातृवंदनम, अर्थात यहाँ पर मातृवंदनम शब्द आएगा। उसी प्रकार से नीचे है स्वजन्म भूमि, अपने जन्म भूमि की रक्षा के लिए, तो रक्षणे स्वजन्म भूमि रक्षणे। प्रयच्छ वीर दे दो हे वीर अपना जीवन, तो प्रयच्छ वीर जीवनम, तो यहाँ पर जीवनम शब्द आएगा। इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस पूरा हो जाता है। आइए आगे चलें। इसी में है रणे सुकौशलम, रण में सुकौशल हो तुम्हारा अभ्यास अच्छा हो, तो रणे धृति सुकौशलम, तुम्हारा धैर्य और कौशल अच्छा हो। प्रवर्धताम अपने को बढ़ाओ, क्या बढ़ाना है? मनोबलम, प्रवर्धताम मनोबलम।
उसके बाद है डैश जयस्तवः, तुम्हारी जय हो जाएगी। कब होगी? जब सुनिश्चितम, सुनिश्चितः जयस्तवः, अर्थात अपने विजय को सुनिश्चित कर लीजिए। कुरु, तो करो क्या? स्वधर्म पालनम, कुरु स्वधर्म पालनम, करो अपने धर्म का पालन। इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस वाक्य पूरा होता है। आइए अगले अभ्यास पे चलें। उचित शब्दार्थ चित्वा लिखन्तु। एक, लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिए शब्द दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में उसका अर्थ दिया हुआ है संस्कृत में ही, तो इसीलिए आइए अब बीच वाले कॉलम में हम लोग उचित शब्द का प्रयोग करेंगे। पूरा पूरा शब्दार्थ में हमने पढ़ा था आगे आगे, तो आगे आगे को संस्कृत में क्या कहते हैं? अग्रे अग्रे। तो यहाँ पर आएगा पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में अग्रे अग्रे। दूसरा है प्रयच्छ, यच्छ मतलब देना, तो देने के लिए संस्कृत में एक शब्द यूज होता है देही, तो देही शब्द प्रयच्छ के साथ में यूज होगा, तो यहाँ पर आएगा प्रयच्छ अर्थात देही। उसी प्रकार तीसरा शब्द हमारा आ जाता है जय, जय का अर्थ विजय प्राप्त करना, तो विजय प्राप्ति के लिए राइट हैंड साइड में अर्थ दिया हुआ है विजयः, तो विजयः शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे। ऐसे ही तीसरा है भूमि ही, भूमि अर्थात धरती, तो धरती के लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए यहाँ पर हम उचित शब्द में भूमि के आगे लिखेंगे पृथ्वी। अंत में बच जाता है रणे। जब चार ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सटीक हो गए हो तो पांचवा एक ही ऑप्शन बचता है और वह ऑप्शन होगा युद्धे अर्थात रणे, रण रणभूमि, और संस्कृत में उसे युद्ध का स्थान कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा युद्धे। इस प्रकार से हमारा यह फिलिंग द ब्लैंक्स भी पूर्ण हो जाता है। अंतिम गतिविधि आपके लिए, अधः प्रदत्त स्थाने राष्ट्रध्वजम निर्माय उचिता वर्ण ही पूर्णयन्तु। राष्ट्रध्वज का निर्माण करके उचित रंगों से उसे पूरा करना है, तो ये मॉडल आप देख सकते हैं। इसी मॉडल का निर्माण आपने अपने स्टडी टेबल के लिए करना है। नीचे एक आधार देना है और उस आधार के चारों तरफ छोटे छोटे कॉलम्स लगाने हैं और बीच में तिरंगे का झंडा लगा करके स्टडी टेबल पर लगाइए और फोटो क्लिक करके अपने अपने ग्रुप में अवश्य भेजें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।